और भाई क्या हाल है। दोपहर के बज चुके हैं 3। मैं जा रहा हूँ कश्मीरी गेट। असल में यार कल निकलना है अपने को ना स्पीति वैली, तो वहाँ पड़ती है बहुत ठंड, -20-25 जाता रात को ना वहाँ, तो उसको झेलने के लिए हम तो झेलेंगे कपड़ों से। गाड़ी का डीजल जो है गाढ़ा हो जाता है मैंने सुना है, तो ये एंटी फ्रीज आता है वो डीजल में डलेगा, वो साला मुझे मैं लगा रहा हूँ अपने घर के आसपास और हर जगह मैंने ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिल रहा। अब मैं कश्मीरी गेट मेन मार्केट में जा रहा हूँ, वहाँ जाके देखेंगे अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो भैया अल्लाह माली की बात खत्म। और क्या भाई आ गए अपना कश्मीरी गेट मार्केट में। अरे बस वाला ना चल रहा बिल्कुल भी, भाई क्या करके मानने का, मुझे लग रहा है ये टो चेन मांग रहा है बस वाला भी ना, ये चाह रहा है इसको पीछे बांधू और फिर खींचू तब चलेगा आगे। अब मुझे पहली बात तो मार्केट ढूंढनी, मिलेगा कहाँ मुझे पता ही नहीं असल में, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं देखते हैं। भाई पीछे एक दुकान दी हुई केशव केशव करके, ये जा रहा शिव लेके आएगा, हम तो यहीं खड़े हैं क्योंकि यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ेगी, फिर मैं सोच रहा हूँ एक ही बार में काम हो जाए। वही तो, तू क्यों नहीं चल रहा भाई हमारे साथ, समर कह रहा केरला जाऊंगा, जब केरला तू जाएगा ना तब लेके चलियो मुझे। भाई शुएब भाई भी देखा है, इन्हें भी कहीं नहीं मिला, अब हम देखें। मैंने कहा गाड़ी खड़ी करो, पैदल धक्के खाएंगे है ना। भाई बड़ा ढूंढ ढांड के मिला, कश्मीरी गेट में आया हूँ मैं यहाँ। ये है पेट्रोल का भैया, ऊपर से मंगा रहे हैं, रो गया भाई। मैं पूरे दिल्ली में देख लिया, इस दुकान में ली अंगद भाई की दुकान है। भाई क्या एड्रेस है ये? मिठन लाल मोटर मार्केट भाई फर्स्ट फ्लोर पे अंगद भाई, इनका नंबर डाल दूंगा मैं, कहीं नहीं मिला दिल्ली में, इनके यहाँ मिला बस मुझे सामान। भाई हमने ले लिए 3 टोटल, इमरजेंसी को यार कभी काम आ जाए, मैं कहा 3 ही ले लो। अब चलते नीचे जेरी कैन ढूंढनी है ना। भाई पूरी मार्केट छान ली, जेरी कैन नहीं मिल रही। मैं सोच रहा हूँ एक आधा वाटर कूलर ही रख लूँ, उसमें भरवा लेंगे डीजल, और क्या भाई काम तो वो भी करेगा स्टोरेज का ही। भाई यार परेशान हो गए, कल गाड़ी धुलवाई, सारे काम कल निपटाए, जैकेट वैकेट लाया, बहन के यहाँ कब भी एक काम रह रहा हो ना, दिक्कत हो रही बहुत। भाई हम तो गए थक के भैया, अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं, गाड़ी लेंगे पार्किंग में से और चलते हैं घर की तरफ, वहीं देखें कहीं अगर 20 लीटर की कोई भी नॉर्मल कैन को जो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, कुछ भी ना मिल रहा। भाई 1.5 घंटा जाम में फंसने के बाद हम आए गोविंद होटल, कुछ खाएंगे। समर सोच रहा क्या मंगाऊँ। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई अगर आप लोग नॉर्मली कहीं भी जाओ घूमने, पर जब आप -10 से नीचे जाते हो ना, जैसे कि स्पीति वैली हो गया भाई, लद्दाख हो गया, तो भाई तैयारी करके जाओ। गाड़ी का एंटी फ्रीज लेना बहुत ज़रूरी है, और गाड़ी के और स्नो चैन, गाड़ी 4x4 होनी चाहिए, और भाई अकेले जाना मत, कम से कम 2-3 गाड़ी हो तब जाना, टो चैन होनी चाहिए, कोई गाड़ी फंस जाए तो उसे रिकवर कर सके, और बाकी सारे अपनी क्लोथिंग मेन है सबसे ज़्यादा ना, ग्लव्स जूते पूते अच्छी क्वालिटी के बढ़िया होने चाहिए भाई, नहीं तो भाई मैं कह रहा हूँ दिक्कत होगी बहुत। और जेरी कैन मस्त है, जो हमें अभी तक मिली थी वो लूँगा मैं अभी ना थोड़ी देर में। भाई खाना आ गया, खाना ये भाई खिला रहा है आज हमें, इसके कपड़े पड़ेंगे आज हम इससे उतरवाएंगे पैसे। चलो खाना खाते हैं फिर अपनी जेरी कैन लेने चलेंगे। भाई मिल गई जेरी कैन, यहाँ पीछे की दुकान थी उससे लिए अंकल से, पता कितने रुपए की थी जेरी कैन का एक कैन है, इसमें थिनर भर रखा था उन्होंने, और उन्होंने मुझे 40 रुपए में दे दिया, और इतनी बढ़िया है ना ये बॉटल, बढ़िया है मतलब जेन्युइन। मैं तुम्हें वीडियो में पीछे रख के बाद में दिखा दूंगा। मैंने वो वाली क्यों नहीं ली, मिल रही थी मुझे मार्केट में पर वो सस्ती मिल रही थी और उसमें वो मज़ा नहीं था, अब मुझे चाहिए बढ़िया वाली, वो ऑनलाइन दिखा रहा लेकिन वो डिलीवरी लेट दे रहा, और बाकी जो मिलता वो यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता मुझे, तो मैंने कहा यार कोई फ़ायदा नहीं, मगर इतना टाइम भी नहीं अपने घर है, और भी बहुत काम है 2-4 वो निपटाऊँगा, मगर इससे काम चला लो इस बार। अब बढ़िया है क्वालिटी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डीजल डलेगा और बल्कि इसमें 30 लीटर डीजल आएगा, और मैं मार्केट से लेता ना वो वाली जो ऐसी आती है गाड़ी को पीछे लगी हुई देखी होगी, वो आती 20 लीटर की, तो यानी मैं 10 लीटर ज़्यादा डीजल कैरी कर सकता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ घर, घर जाके भैया अपनी पैकिंग करेंगे, बात ख़त्म, ठीक है, अब मिलता हूँ तुम्हें सीधा घर पे। भाई सारा सामान लेके आ गया, और ये रखा सारा सामान फैला पड़ा, अभी इसे डालूंगा बैग के अंदर। भाई सामान दिखाऊँ तुम्हें क्या क्या ले रखा, ये तो भाई अपने 2 ब्लैंकेट हो गए, तो लेके जाऊँगा एक मेरा एक भाई का उवेश का, ये जैकेट पड़ी है 1, 2, 3, 4, ये अपने ग्लव्स हो गए, ये लैपटॉप चार्जर, और बाकी तो भाई अपना यही है, मैं बीच में चला गया था, कपड़े वपड़े इनर क्लोथ्स वगैरह, पैंट वेंट जीन्स हो गई अपनी भाई, ये हो गए स्वेट शर्ट, ये जेरी कैन इमरजेंसी मुझे ये मिली है आसपास से, कोई नहीं बढ़िया है सॉलिड है चली जाएगी अपना, ठीक है। खाने पीने का थोड़ा सामान ले लिया, सॉक्स ले लिए, ये चश्मे हो गए, हेयर ड्रायर, ये थोड़ा डिस्पोजल, सबसे मेन चीज़ ने रुलाया मुझे एंटी फ्रीज, ये भी मिल गया, मैंने 3 ही ले लिया, मगर भैया तू 3 के 3 दे, और अपना ये लिया भैया, कुछ खोदना पोदना पड़ गया किसी भी चीज़ में समझ जाओ, दवाइयाँ होगी, बाकी वही है खाने पीने का थोड़ा बहुत और कुछ नहीं मेन। अब ये सारा का सारा सामान पैक करूँगा और अभी गाड़ी में रखूँगा,
और फिर सो आराम से, ठीक है भाई। 11 बज गए, अब ये लगा लो 11 और 14-12 बज जाएंगे मुझे। और सुबह 5 बजे उठना है मुझे और 6 बजे निकलूँगा यहाँ से और 7 बजे मुझे पहुँचना है मुकरबा चौक, वहाँ सारे भाई मिलेंगे हमें ना। चलो पहले ही पैक करते फिर मिलेंगे नीचे। भाई खुल जा मेरी रानी, भाई सारी पैकिंग कर ली तुम्हारा, ये साहिल की स्नो चैन ये भूल गया था, अपनी पानी की बोतल है, सामान वाला खाने पीने का सब इसमें, ये जेरिकेनों का, ये अपने दोनों बैग, कंबल जो होते भाई मैंने सारे बिछा लिए, पीछे मेरी स्नो चैन रखी है, बस वेश का सामान रखना और सुबह जाना। अब जाके मैं भाई आराम करूँ, ठीक है, अब मिलूंगा तुम लोगों से कल, मौज ले लो, जाओ सो जाओ, तुम भी सो जाओ फटाफट सो जाओ, मेरे को भी सोने दो। चलो अब मिलेंगे कल को, टाटा बाय बाय।